बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्केलर और वेक्टर का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं और उसका टाइटल है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। तो आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे। इस टॉपिक में करना क्या है, पहले जरा इसका ऑब्जेक्ट क्लियर करेंगे। फर्ज कीजिए स्टूडेंट्स के आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो, ए और बी, और मल्टीप्लाई करने पर इनका जो रिजल्ट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी मिल जाए। क्या मिल जाए? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल, फोर्स वेक्टर है, मोमेंट आर्म वेक्टर है, इनका प्रोडक्ट टॉर्क मिलता है, टॉर्क भी वेक्टर है। जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट आपको एक वेक्टर क्वांटिटी के तौर पर मिले, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। और जब मैथमेटिकली आप इनको लिखते हो तो हम लोग वेक्टर के दरमियान क्रॉस का साइन लगाते हैं। इसलिए हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का मतलब एक ही है, राइट। तो हम लोग सबसे पहले आज दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे, यानी ए क्रॉस बी निकालना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे देखिएगा। क्रॉस से पहले जो वेक्टर लिखा है आप इसका लीजिएगा मैग्नीट्यूड। तो मैंने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्रॉस के बाद ये जो दूसरा वेक्टर लिखा है इसका आप लीजिएगा वाई कंपोनेंट। क्या लीजिएगा? वाई कंपोनेंट ऑफ B। और चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन के लिए ये साइन यूज करेंगे, इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। यानी यूनिट वेक्टर ये बताता है कि मुझे जिसके साथ लिखा गया है उसकी डायरेक्शन भी होती है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो यहां से लेकर ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा रिजल्ट के, और ये उसकी डायरेक्शन को, और जब दोनों मिलता है तो क्या बनता है? वेक्टर क्वांटिटी बनता है। इसमें शॉर्ट फॉर्म में आप इसको ऐसे लिखिएगा, देखिएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दिस इज ए, वाई कंपोनेंट ऑफ बी, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे बी वाई, and this is unit vector, a cross b is equal to a b y को आप लिख सकते हैं b sin theta, साथ में ये unit vector, a cross b is equal to This is equal to A B sin theta. The students, ये तो A cross B मालूम करने का formula हुआ, A cross B equal to A B sin theta. A cross B is equal to A B sin theta. यानी ये result का magnitude मालूम करने का formula है। अब जरा इसकी रिजल्ट की, इसकी डायरेक्शन भी डिटरमाइन करते हैं।
स्टूडेंट याद रखिएगा, जब भी दो वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो रिजल्ट आता है इसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकलती है। क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट की डायरेक्शन किससे मालूम करेंगे? बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। अब देखिएगा डायरेक्शन डिटरमाइन कैसे होगा, जरा समझेंगे स्टूडेंट्स। इट इज वेक्टर ए, इट इज अनदर वेक्टर बी, दिस इज एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, राइट। और से देखिएगा, ए क्रॉस बी इसको तो आपने मल्टीप्लाई किया है, राइट हैंड, ये राइट हैंड में ये जो फोर फिंगर्स है, ये जो फोर फिंगर्स है ये उनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है जिनको आपने मल्टीप्लाई किया है। ये फोर फिंगर्स मल्टीप्लाइड वेक्टर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ए क्रॉस बी की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी ए टू बी, ए टू बी। अगर फर्स्ट कीजिए मैं लिखता हूं एम क्रॉस एन, तो यू विल से डायरेक्शन ऑफ एम क्रॉस एन इज एम टू एन, तो ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हुई ए टू बी, ये डायरेक्शन है ए टू बी, ये डायरेक्शन है, राइट। और ये जो थंब है, ये थंब ये इस रिजल्ट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये फोर फिंगर्स मल्टीप्लाइड वेक्टर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ये थंब इस रिजल्ट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इस रिजल्ट की डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए आपने सिंपली करना क्या है, इन फोर फिंगर्स को इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में प्लेस करना है, थंब देखना है, थंब रिजल्ट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये देखिएगा, ये देखते हैं, ये दिस, ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है, ये आपने ये प्लेस किया, ये थंब की डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर ऑन टू दी बोर्ड, यानी ये देखिएगा, ये डायरेक्शन है ए क्रॉस बी की, ये आपने थंब को देखा, ये थंब कहां जा रहा है? इस डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में। तो आप कहेंगे कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेड इज, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेड इज, रिजल्टेड इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऑन टू दी पेज, आपने पेज पे वर्किंग करनी है इसलिए मैंने पेज लिखा। परपेंडिकुलर के दो ऑप्शन थे, जैसे ये एक परपेंडिकुलर, ये इसको कहेंगे परपेंडिकुलर ऑन टू दी पेज, एक इस तरफ भी होगा परपेंडिकुलर, यानी ये अंदर की तरफ, इस तरफ इसको कहेंगे, ये परपेंडिकुलर ऑन टू दी पेज, इसे कहेंगे परपेंडिकुलर इनटू द पेज। अब मैंने आपसे कहा कि ये परपेंडिकुलर ऑन टू द पेज, तो इस डायरेक्शन में तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता डायरेक्शन को, तो अब क्या करें? तो परपेंडिकुलर ऑन टू द पेज के लिए हम डायरेक्शन ऊपर की तरफ ड्रॉ करते हैं, ये रिप्रेजेंट करेगा परपेंडिकुलर इनटू द पेज, इनटू द पेज होता यानी इसके अपोजिट, तो इसको डाउनवर्ड शो करते हैं। ये डायरेक्शन है ए बी साइन थीटा की। मैथमेटिकली क्या करेंगे? मैथमेटिकली देखिएगा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑन टू द पेज के लिए हम लोग इधर प्लस का साइन यूज करते हैं, और इन टू द पेज होगा तो उसके लिए माइनस का साइन यूज करते हैं। स्टूडेंट्स आप चाहें तो इस कॉन्सेप्ट को रिवर्स भी कर सकते हैं, मतलब परपेंडिकुलर ऑन टू द पेज के लिए माइनस, इनटू द पेज के लिए प्लस, अगर एक दूसरे का अपोजिट है तो प्लस माइनस।
फिलहाल मैंने परपेंडिकुलर ऑन टू ई पेज के लिए प्लस का साइन यूज किया, ये प्लस बता रहा है कि डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर ऑन टू द पेज है, ए बी साइन थीटा, दिस इज यूनिट वेक्टर, दिस इज नंबर टू। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमाइन करते हो, राइट। तो अभी काम कीजिए, अभी काम कीजिए, सेम प्रोसीजर इस्तेमाल कीजिए और बी क्रॉस ए भी निकालिए, सेम प्रोसीजर इस्तेमाल कीजिए और बी क्रॉस ए भी निकालिए, राइट, ताकि ये सारा मेथड एक मतलब अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिएगा, मैंने कहा ना, अब आप बी क्रॉस ए कैलकुलेट करने जा रहे हैं, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, ये क्रॉस से पहले का क्या लोगे मैग्नीट्यूड, आपने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्रॉस के बाद जो वेक्टर है इसका क्या लेंगे आप, वाई कंपोनेंट, तो आपने लिखा वाई कंपोनेंट ऑफ ए, वाई कंपोनेंट ऑफ ए, और साथ में ये यूनिट वेक्टर, राइट, B क्रॉस A, मैग्नीट्यूड ऑफ B, इसको आपने लिखा सिंपली B, Y कंपोनेंट ऑफ A, तो इसको आपने लिखा ए वाई, और साथ में ये यूनिट वेक्टर। B क्रॉस A, B क्रॉस A इज इक्वल टू B ए वाई ए साइन थीटा, और साथ में आपने लिखा है यूनिट वेक्टर, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, आप इसको अरेंज करके लिख लीजिए ए बी साइन थीटा, साथ में यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट्स का मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी हो या बी क्रॉस ए हो, मैग्नीट्यूड तो बराबर है, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन। अब जरा यहां पे रिजल्ट की डायरेक्शन निकालिए सेम प्रोसीजर से, सेम प्रोसीजर से देखिएगा डायरेक्शन कैसे निकलेगा। अगेन दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, एंड दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी थीटा। यू विल यूज राइट हैंड रूल, डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए मीन डायरेक्शन इज बी टू ए, बी टू ए, दिस इज द डायरेक्शन बी टू ए, राइट। अब आपको इसकी डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए राइट हैंड रूल यूज कीजिए, चार फिंगर को इस डायरेक्शन में प्लेस कीजिए। अगर आप इस डायरेक्शन में प्लेस करते हैं तो देखिएगा स्टूडेंट्स क्या होता है, ये ऐसे ऐसे, ये इस डायरेक्शन में ये प्लेस किया, तो थंब किधर मिल रहा है, परपेंडिकुलर इन टू द पेज, अंदर की तरफ है, ये देखिएगा, ये फिर देख लीजिएगा एक मतलब ये प्लेस किया, ये यानी ऐसे, दिस इज ए, दिस इज बी, ये बी क्रॉस ए की डायरेक्शन, ये आपने प्लेस करना है, ये प्लेस करना है, ये इन चार फिंगर्स को इस डायरेक्शन में प्लेस करना, इस डायरेक्शन में थंब देखना है, ये किधर मिल रहा है, ये परपेंडिकुलर इन टू द पेज, अंदर की तरफ है। तो आप यहां लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इनटू द पेज, अंदर की तरफ है, परपेंडिकुलर तो है पर अंदर की तरफ, परपेंडिकुलर इनटू द पेज। अब परपेंडिकुलर इनटू द पेज यानी अंदर की तरफ, उसे तो आप ड्रॉ नहीं कर सकते, तो उसे हम लोग डाउनवर्ड ड्रॉ करते हैं, इधर ये डायरेक्शन है ए बी साइन थीटा की,
परपेंडिकुलर ऑन टू दी पेज के लिए ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर इन टू दी पेज के लिए डाउनवर्ड की तरफ। और मैथमेटिकली साइन यहां क्या यूज करेंगे, नेगेटिव का। ऑन टू दी पेज के लिए प्लस लिया था तो इन टू दी पेज के लिए नेगेटिव का साइन लेंगे, राइट right? ओके तो देखिएगा सिचुएशन क्या है, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, ये माइनस का साइन यूज किया, माइनस ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट जब इतना काम किया आपने तो छोटा सा काम और करते हैं, इस इक्वेशन को दोनों तरफ माइनस वन से मल्टीप्लाई कीजिए। किससे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस वन से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस वन से मल्टीप्लाई कीजिए। जब माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी क्रॉस ए, माइनस बी क्रॉस ए, और जब इसे माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस प्लस ए बी साइन थीटा। दिस इज यूनिट वेक्टर, दिस इज नंबर टू, राइट, सॉरी दिस इज नंबर थ्री। इक्वेशन में स्टूडेंट जब एक काम कीजिए, ए क्रॉस बी से जो रिजल्ट आया और बी क्रॉस ए से जो रिजल्ट आया था, यानी इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थ्री, इन दोनों को कंपैरिजन कीजिए। देखिए ये भी बराबर है प्लस ए बी साइन थीटा यू के, ये बराबर है प्लस ए बी साइन थीटा यू के, और ये भी बराबर है प्लस ए बी साइन थीटा यू के,